वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद दिस कंपनी लॉ एंड वी जस्ट डिस्कस अबाउट सम बेसिक्स ऑफ द कंपनी लॉ कि हाउ कंपनी लॉ दैट केम इनटू फोर्स। सो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू ए जस्ट ऑफ दैट यू नो द बेसिक ऑफ कंपनी लॉ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी लॉ विच वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास because in the last class there was some issue with technology part because my tablet the pen was not working properly so I couldn't note it down properly so in 5 minutes I'm just going to discuss with you ki humne last class mein kya kya kiya humne last class mein kya kya basic cheeze jo humne kari hain to main ek 5 minute mein aapko wo ek bar revise ki tarah ek aapko dobara uska gist dene ke liye so that you can note it down ki what we did in the last class तो ताकि आप दोबारा कभी अगर पढ़ो तो नोट करके नोट किया हो और आप उसको ढंग से पढ़ सको। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा था कंपनी लॉ एज ए सेट कि दिस इज अ लॉ बेसिकली लॉ विच गवर्न्स द कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, उनको जो लॉ गवर्न करता है दैट इज कंपनी लॉ। ये हमने पढ़ा विच इज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013 ये हमारा एक्ट नंबर 18 था राइट एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013 राइट दिस मींस दिस शोज कि जैसे ही हमारा एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में तो दैट वाज द 18th एक्ट इन द ईयर 2013 जो हमारे पार्लियामेंट में पास किया गया। कंपनीज एक्ट 2013 एज आई मेंशन मैंने ये भी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इट्स कंपनीज एक्ट इट्स इन टू द प्लूरल सेंस कंपनीज एक्ट है ये कंपनी एक्ट नहीं है ये कंपनी लॉ नहीं है ये कंपनीज एक्ट है कंपनीज एक्ट। तो कभी भी आप ये मिस्टेक मत करना अपने एग्जाम में और कहीं पर भी व्हेन एवर यू टॉक टू समवन की आई एम कंपनी एक्ट है कि कंपनीज एक्ट है तो इट शुड बी कंपनीज एक्ट राइट पास्ड बाय लोकसभा ऑन 18th ऑफ दिसंबर 2012 पास्ड बाय राज्यसभा ऑन 8th ऑफ अगस्त 2013 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा में पास होता है साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑन 29th ऑफ अगस्त 2013 and published in the official gazette on 30th of August 2013 यहां से ये हमारा कंपनीज एक्ट बना। जब तक कोई भी बिल जब तक कोई भी लॉ राज्यसभा लोकसभा दोनों पार्लियामेंट हाउसेस से पास होके जब तक प्रेजेंट साइन नहीं करता जब तक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं होता तब तक वो लॉ नहीं बनता है। तो जब 30 अगस्त 2013 को ये पब्लिश हुआ ऑफिशियल गैजेट विच इज ए गवर्नमेंट पब्लिकेशन तब जाके ये हमारा एक्ट बना तब ये एप्लीकेबल हुआ जाके। ऑल्सो सेट कि कंपनीज एक्ट 2013 सिंस अब आप लोग जैसे अगर क्लासेस भी आगे लोगे आप देखोगे मैं बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता हूँ जैसे मैंने कंपनीज को अपोस्ट्रोफ एफ्स लगा के कंपनीज एक्ट पूरा ना लिखा सो दैट वी कैन सेव टाइम बट डोंट मेक इट ए हैबिट अपनी इसको आदत मत बनाना एग्जाम्स के लिए या कभी भी। अभी क्लास के लिए बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करूंगा कंपनीज को मैंने अपना कंपनीज को ऐसे लिख देता हूँ या और शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा बट डोंट मेक इट ए हैबिट अपनी हैबिट मत बनाना कि आप कभी इसको एग्जाम में इसको रिपीट करो।
राइट। तो ये कंपनीज एक्ट 2013, जैसा कि हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि लाइक इट वाज पब्लिश्ड इन 2013 दैट कंटेन्स 470 सेक्शन डिवाइडेड इनटू 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स। आई नो वी हैव डन ऑल दिस बट आई एम जस्ट गिविंग ए जस्ट वट एवर वी डिड बिकॉज ड्यू टू सम टेक्नोलॉजी ड्यू टू दिस प्रॉब्लम विद द टैबलेट्स आई वाज नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली। 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे चैप्टर हैं हमारा, जैसे इनकॉर्पोरेशन का है चैप्टर, ऐसे ही मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है हमारा, डिविडेंड का है, डायरेक्टर्स का है। तो वी हैव 29 चैप्टर्स की पूरे 29 चैप्टर्स में ये हमारा कंपनीज एक्ट बटा हुआ है। सो दैट कंटेन्स 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स। दिस इज व्हाट आई सेड कि आप लोगों को ये सारे याद करने हैं 470 सेक्शंस, राइट। बट ठीक है, सारे नहीं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं हमारे जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, कुछ सेक्शन अभी हमारे लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सेक्शंस हमारे अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम नहीं आएंगे, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे 470 सेक्शंस है पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर। एंड कंपनीज एक्ट 2013 इज बेसिकली ए रूल बेस्ड एनेक्टमेंट। रूल्स, हर रूल्स, जैसा कि रूल्स भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, रूल्स आर बेसिकली फ्रेम्ड बाय, ड्राफ्टेड बाय द डेलीगेटेड अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको एक्ट में पावर दी जाती है कि वो रूल बनाए। अ रूल बेस्ड एनेक्टमेंट दैट मीन्स एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन रूल्स। हर चैप्टर का अपना एक रूल है, हर चैप्टर का अपना एक रूल है, एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन रूल, राइट। नेम्ड लाइक, हर चैप्टर के नाम के साथ, हर चैप्टर के नाम के साथ उसका रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनीज इन ब्रैकेट वी हैव नेम ऑफ द रूल, राइट। हर रूल में कंपनी के ब्रैकेट में, उसके कंपनीज ब्रैकेट में द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम आएगा रूल्स 2014। एज ए सेट एक्ट हमारा 2013 में आ गया था, लेकिन जो उसके रूल्स आए वो आए जनरली 1st of April 2014 से। तो इसीलिए जो रूल्स बने वो 2014 के बने, एक्ट लेकिन हमारा 2013 आ गया। सो डोंट बी कंफ्यूज, एक्ट इज ऑफ 2013 बट द रूल्स जिसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज 60-70% मैंने बताया था आपको कि ये हमारा जो एक्ट है ये रूल्स के ऊपर डिपेंड है, रूल्स, राइट। तो ये 2014 में हमारे पास फाइनल निकल के आए, इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 2014, 2014 से हमारे ये रूल चले। इसीलिए एक्ट 2013 को आया, उसके रूल्स जब आए 2014 से आए। और रूल्स कैसे हैं, हर चैप्टर, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन है ऐसे ही कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, ऐसे ही कंपनी डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स चैप्टर का पूरा नाम है उसके रूल्स, ऐसे ही जो डिविडेंड है तो उसके रूल्स। तो हर रूल्स के नाम, चैप्टर के नाम का, जो चैप्टर का नाम है दैट कम्स इन बिटवीन द रूल्स, राइट। रूल्स, रूल्स आर ऑलवेज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। रूल्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, विच इज आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लाइक जिसको एक अथॉरिटी है, जो अपना पावर है वो कौन देता है, एक्ट, जिसको पावर एक्ट देता है। तो कभी भी रूल्स कौन बनाता है, नॉट ओनली अंडर द कंपनीज एक्ट, एवरीवेयर इन एवरी एक्ट इन इंडिया रूल्स आर ऑलवेज
framed by central government. Central government means to whom power is delegated by the act, जिसको एक्ट में पावर डेलीगेट की जाती है कि आप रूल्स बनाओ. रूल्स बनते क्यों हैं? आई विल नॉट आस्क बिकॉज ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दी जाती है, ताकि इजी तरीके से एक्ट को चलाया जाए. तो रूल्स आर ऑलवेज फ्रेम्ड बाय द डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑफ लॉ. डेलीगेटेड मतलब जिसको पावर डेलीगेट की गई है, राइट. कंपनीज एक्ट अगर इसका प्रीएम्बल देखें, कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है. अनलाइक कंपनीज एक्ट 1956 जिसको अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने रिप्लेस किया है, जो भी वो भी होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होता था. Anyone who attended my last class, can you tell me एक particular state जिसपे Companies Act 1956 applicable नहीं होता था? जो कोई अभी मेरी क्लास अगर देख रहा है आज, right? और जो present था last class में, तो क्या मुझे बता सकते हो, जिससे भी मेरी last class view करी है, तो can you tell me one particular state in which Companies Act 1956 was not applicable? Though it was mentioned in 1956 Act, it applies to whole of India. Yes, right Ananya, very good. Sikkim. Yes, Nancy, Sikkim पे applicable नहीं होता है. So it shows कि आप लोगों ने ढंग से क्लास को अटेंड किया. Right Bhavna, right Ajagya. Perfect, very good. तो ये है, इसे दो बातें क्लियर होती है कि आप ने मेरी लास्ट क्लास करी या रिकॉर्डिंग देखी, बाद में देखा होगा तो नो इश्यूज, और आप अभी भी अटेंटिवली मुझे सुन रहे हो. दो आई एम रिपीटिंग द थिंग्स व्हाट एवर वी डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास. तो अब इसलिए मैं अब दोबारा आपको बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब मैं लिख रहा हूँ तो आई वॉन्ट यू शुड ऑल्सो नोट इट डाउन. तो आप भी नोट करो तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आएगा कभी आप दोबारा अपनी नोटबुक देखोगे तो. राइट, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है. अप्लाइज टू ऑल द companies registered under this act or under any previous company law. Under this act or under any previous company law. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कंपनीज 1956 एक्ट में बनी है या उससे पहले 1913 एक्ट में थी, 1882 में थी, 1850 में थी, 1862, बहुत सारे एक्ट तो बनते हैं ना इंडिया में. तो पहला एक्ट तो 1850 में बना ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, और पोस्ट इंडिपेंडेंस 1956 था एक्ट हमारा. तो इसका मतलब जो कंपनीज पुराने एक्ट में बनी है तो वो भी अब नए एक्ट में गवर्न होंगी. इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरानी है वो पुराने एक्ट में चलती रहेंगी और जो नई है वो नए एक्ट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता. पुराने एक्ट तो खत्म हो गए ना सारे, तो अब हमारे पास एक ही एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013. कोई भी कंपनी चाहे अभी बनी है अंडर दिस एक्ट, मतलब दिस एक्ट मतलब यही 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, राइट. इट अप्लाइज टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. उस पर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट फॉर दोज प्रोविजंस विच आर इनकंसिस्टेंट विथ. कौन कौन से एक्ट बताए थे, कौन कौन से एक्ट बताए थे विच आर इनकंसिस्टेंट
विच आर इनकंसिस्टेंट विथ, बताइए इंश्योरेंस कंपनी में कौन सा एक्ट है, बैंकिंग कंपनी में कौन सा एक्ट है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. दैट मींस दीज कंपनीज, द कंपनी विच आर इनटू इंश्योरेंस बिजनेस, विच आर इनटू बैंकिंग बिजनेस, विच आर इनटू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस, राइट, उनके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट IRDA एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एप्लीकेबल होता है इनके ऊपर. तो इसका मतलब दे आर गवर्न बाय देयर ऑन स्पेसिफिक एक्ट, वो अपने स्पेसिफिक एक्ट में भी गवर्न होती हैं. तो इन केस ये कंपनी भी है, मान लो फॉर एग्जांपल ICICI बैंक लिमिटेड इज व्हाट, इज अ बैंकिंग कंपनी गवर्न बाय कंपनीज एक्ट बट स्पेसिफिकली गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो जहां पर स्पेसिफिक एक्ट आता है तो वो हमेशा प्रिवेल करता है. इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट और इनकंसिस्टेंसी बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, विच विल प्रिवेल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. आई गिव यू एग्जांपल इन द लास्ट क्लास एज वेल, सिमिलर विद द इंश्योरेंस कंपनी. तो IRDA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और तो लॉ कहता है कि उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, राइट अजग्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिल्कुल यू आर राइट. सो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है बट इनकंसिस्टेंट. सो एक्सेप्ट, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो हम उनको देखेंगे बिकॉज दोज आर द स्पेसिफिक एक्ट, बट यस इट अप्लाइज टू दैट एज वेल. आई थिंक यहां तक वी डिस्कस्ड, ठीक है जी. चलिए, हमने कंपनी लॉ की हिस्ट्री तो हमने समझ ली, हमने कंपनी लॉ का समझ लिया कि कंपनी लॉ की हिस्ट्री है, ये कंपनी लॉ कैसे आया, कितने सेक्शंस हैं, क्या हैं, दैट्स इट, फाइन. रूल्स होते हैं इसके अंदर, रूल्स, हर चैप्टर का अपने रूल्स हैं, दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, फिर आप बोलोगे सर अच्छा ये तो बताओ फिर कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी. आई एम श्योर यू ऑल आर नोटिंग डाउन व्हाटएवर आई एम राइटिंग. अभी कितने 4-5 पेज जो मैंने भरे हैं अपने, तो बेटा पर्पस अभी 10-15 मिनट में आपको मैंने एक जिस्ट जो दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज यू कैन नोट इट, आप उसको नोट भी कर सको. तो मैं मेरा विच चैप्टर है सर, बेटा आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, बेसिक. नाउ देन नेक्स्ट क्वेश्चन देन कम्स, सर ये तो चलो हमें समझ आ गया कि हमारा ये कंपनी कहाँ से है, क्या है, बट अब ये चीज तो जानना जरूरी है कि देन व्हाट इज कंपनी, कि एक्चुअली कंपनी है क्या, हम किसको कंपनी बोलते हैं या किसको कंपनी बोलना चाहिए, कंपनी की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कंपनी, राइट. अब नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, बहुत छोटी डेफिनेशन है, वेरी स्मॉल डेफिनेशन, बहुत छोटी डेफिनेशन है बट इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए. कि सर डेफिनेशन तो एक लाइन की है, सिर्फ एक लाइन की, कुछ नहीं है. सेक्शन 2 में, राइट, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, दैट इज एज पर सेक्शन 2 और अंडर सेक्शन 2 and then in bracket noted down 20. Now I want everyone to participate and answer, whosoever is watching my class. This is, so we know sir, this is section, right? Then what is this, hum isko kya bolenge, section bracket mein jo aata hai uske aage, जैसे सेक्शन इन ब्रैकेट 20 वी हैव मेंशन, सो व्हाट डू वी कॉल इट, इज व्हाट. सो आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड एवरीवन टू आंसर. सेक्शन टू और सेक्शन टू के आगे जो लिखा गया है वो क्या है, सेक्शन टू और टू के आगे जो लिखा गया है वो क्या है. जनरली ओके, भावना, नेंसी, अच्छा जी, वेरी गुड. कोई और, हम्म,
ईशा गुप्ता, अनन्या जैन सिंह, सब सेक्शन पार्ट, अज्ञा से पार्ट, ओके ओके सी, कभी भी किसी सेक्शन के आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है राइट, वो हमेशा कहलाता है सब सेक्शन। जैसे मैं बोलूंगा सेक्शन 42 ब्रैकेट में 1, तो दिस इज फॉर मी सेक्शन, दिस इज फॉर मी सब सेक्शन। दैट मीन्स अगर एक सेक्शन, अब ध्यान से सुनना अंजलि, अजग्या, अनन्या जिन्होंने आंसर दिया है जो कि गलत है, मतलब सही नहीं है, इट्स नॉट सब सेक्शन, बट जनरली यही होता है किसी भी सेक्शन के साथ आगे जब कुछ लिखा होता है ब्रैकेट में तो हम उसको सब सेक्शन बोलते हैं, कि मतलब ये उसी सेक्शन का पार्ट है, नो डाउट ये उसी सेक्शन का पार्ट है, ठीक है जी। लेकिन जब किसी सेक्शन के आगे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ब्रैकेट में नंबर्स लिखे होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जो कि जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, जिनका आपस में ऊपर कोई रिलेशन नहीं है राइट, इसका मतलब वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो उसको फिर हम सब सेक्शन ही बोलते हैं, इसका मतलब वो सेक्शन का पार्ट नहीं है, वो सेक्शन का पार्ट नहीं है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 2, देन दिस इज क्लॉज, क्योंकि सेक्शन 2 इज जनरली हर एक्ट में नॉर्मली आप चेक करना, कोई भी एक्ट जो आप इतने सारे एक्ट आप करोगे, जनरली ये होता है कि जो सेक्शन 2 होता है दैट इज बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन, ये डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में अगर आप देखोगे सो दैट वुड बी डेफिनेशन ऑफ एब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे ही क्लॉज 220 में वी हैव डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी, then 241 में वी सेक्शन 2 क्लॉज 41 वी हैव डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वी हैव डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, तो वो सब डेफिनेशंस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये सब सेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन है, 21 में किसी और की होगी, 19 में किसी और की होगी, बट इन एनी केस दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर सो हाउ वी कैन से दे बिलोंग टू ए सेम सेक्शन, हाउ वी कैन से दे आर फैमिली। हाँ, ये तो फैमिली का पार्ट हो गया ना, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 राइट, देन इसके आगे आता है क्लॉज ए, देन सब क्लॉज बी, देन क्लॉजेज होती है, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन जब एक सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शन कह लो या डिफरेंट डिफरेंट आगे उसको एक्सटेंड किया जाता है, तो जब वो आपस में रिलेटेड नहीं होते तो उनको क्लोज बोला जाता है, राइट अंजलि, अजग्या, अनन्या, बेटा दीज आर नॉट सब सेक्शन, दीज आर द क्लोजेस। हालांकि आपको कहीं इसको लिखना नहीं है, अगर कल को एग्जाम में पूछा भी जाता तो आपको जस्ट सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20, दैट्स इट। हाँ, बट अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, आप जल्दी लिख लेते हो और पेपर कंप्लीट भी कर देते हो, सो दैट विल बी लाइक सेक्शन 2, आप ऐसे लिख सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है, लेकिन मेनली ओनली इन केस ऑफ ए डेफिनेशन सेक्शन, जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उसी में ये चीज है, अदरवाइज नहीं है। राइट, अब कंपनी की डेफिनेशन देखो, एज पर क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 20 या सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20, जैसे भी हम बोले, कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बस सिर्फ एक लाइन की एकमात्र छोटी सी डेफिनेशन है कंपनी की, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ नहीं, बट इट हैज ए ग्रेट इंपैक्ट। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कंपनी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, इफ आई आस्क सो व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी, कंपनी मींस वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, हम उसको कंपनी बोलेंगे, हम उसी की बात करेंगे।
कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर दिस एक्ट. एक्ट का मतलब तो कंपनीज एक्ट ही है, यहां पर एक्ट की भी डेफिनेशन है, एक्ट का मतलब ही कंपनीज एक्ट है, राइट. सो कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं. नाउ यू विल से सर ठीक है, थोड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत है, वाई यू आर मेकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड. छोटी सी डेफिनेशन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटी सी डेफिनेशन बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इसका. सो व्हाट डज इट मीन, राइट, इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है. मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं ये मैं अभी आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा, जब हम एक और टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा कि मैंने उस समय सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन को इतना बड़ा क्यों बना दिया था, जबकि है एक लाइन छोटी सी, लेकिन मैंने तो ऐसे बड़ा बना दिया कि पता नहीं क्या तूफान है इसमें, कि भैया इसको समझना याद से, छोटी सी लाइन लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है इसका, राइट. वो क्यों है, कैसे है, एक और टॉपिक आएगा जब मैं इसको दोबारा इसके साथ मिक्स्ड करूंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता था, कि ये छोटी सी चीज और बड़ा धमाका क्यों है, ठीक है जी. सो कंपनी का मतलब सिंपल सी बात है. अब आपको एज ए लेमैन नहीं पढ़ना, आपको एज ए लेमैन नहीं समझना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क योर पेरेंट्स एट होम, अगर आप अपने पेरेंट्स को घर पे बोलो या मैं बोलूं कि कंपनी है, उनको कंपनी नहीं पता क्या है, राइट. कई लोग तो क्लाइंट भी ऐसे हमारे पास आते हैं जिनके लिए पार्टनरशिप फर्म भी कंपनी होती है, वो आते हैं जी हमारी ना एक कंपनी है, उस कंपनी में ये करना है वो करना है. अच्छा कंपनी का नाम क्या है जी, एबीसी एसोसिएट्स. एसोसिएट्स से तो कंपनी तो नहीं है. अब कैसे नहीं है कंपनी, वो आपको बताऊंगा. अब जो लोग कंपनी लॉ कुछ पढ़ चुके हैं या मेरी भी क्लासेस ले रहे हैं पहले तो पढ़ चुके हैं, जो उनको तो पता ही होगा. तो एबीएन एसोसिएट्स नॉट ए कंपनी, राइट, इट्स नॉट ए कंपनी. पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप है. जैसे आई एम ए प्रोप्राइटर ऑफ विशाल अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, तो मैं ये बोलूंगा हाँ मैं विशाल एंड एसोसिएट्स कंपनी चला रहा हूँ, तो ये कंपनी थोड़ी ना, ये तो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, राइट. लेकिन लेमैन की भाषा में, लेमैन मतलब इफ आई टॉक टू माई पेरेंट्स वो नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा, इफ यू विल टॉक टू योर पेरेंट्स योर फैमिली, ऑब्वियसली इनको नहीं पता होता कि कंपनी क्या है. बट अगर आपको अगर प्रॉपर कंपनी की डेफिनेशन पूछी जाए, कंपनी क्या होती है, कंपनी जी वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी है जी हमारे लिए, बस इसके ऊपर और कोई डेफिनेशन नहीं है कंपनी की, भूल जाओ, देयर इज नो अदर डेफिनेशन ऑफ कंपनी, राइट. चलो ये तो एक डेफिनेशन हो गई एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. किसी को कोई डाउट यहां तक, एक्सेप्ट कि सर आपने बोल दिया चीज तो बड़ी छोटी है लेकिन धमाका बड़ा है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, और मतलब आगे आने वाले टाइम में हम समझेंगे, दोबारा मैं इसको आपको लेके आऊंगा. लेकिन टिल देन एनी क्वेरी इफ यू हैव, अगर आपको कोई पूछना है, एनी क्वेरी एनी डाउट इफ यू हैव इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी बिफोर वी मूव फर्दर. ठीक है, चलिए ये तो हो गया कंपनी की डेफिनेशन. लीगल बोले तो एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट प्रॉपर डेफिनेशन हो गई. बाकी तो बड़े बड़े ऑथर्स ने कंपनीज को डिफाइन किया हुआ है. कंपनी मींस एन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स मनी और मनी वेल्थ इनटू अ कॉमन स्टॉक टू डू सम बिजनेस और ट्रेड एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम. अल्टीमेटली हमारे लिए कंपनी का मतलब क्या है, अल्टीमेटली हमारे लिए कंपनी का मतलब क्या है, जब दो लोग आपस में, अगर प्रैक्टिकलिटी देखें, अगर प्रैक्टिकल डेफिनेशन, इफ यू लुक एट द प्रैक्टिकल डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन बाय द वेरियस ऑथर्स, जो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ोगे जरूर, कि कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ इन टू कॉमन स्टॉक टू डू सम बिजनेस एंड ट्रेड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अलग डेफिनेशन बनाऊं, कंपनी मीन्स an association of persons who contribute monies or money's worth into common stock to do some business or trade and to share
profit and loss. Arising therefrom. See, मतलब तो यही है, अगर अल्टीमेटली देखें, वी वॉन्ट टू डू बिजनेस एंड वी वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है? तो इसलिए कंपनी की डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट तो सिर्फ इतनी है, ये कंपनी की डेफिनेशन नहीं है, याद रखना, ये कंपनी की डेफिनेशन नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट. नो, इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट. ये वेरियस ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया है कि कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये कुछ लोग मिलके उसको चलाएंगे, कंपनी में पैसा लगाएंगे इनटू कॉमन स्टॉक, जनरली शेयर कैपिटल. अगर आपने सुना, शेयर कैपिटल में पैसा लगता है. ऑब्वियसली इंटेंशन इज टू डू सम बिजनेस और ट्रेड एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो पर्पस है, राइट? अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, या अगर मैं बोलूं कि कुछ लोग अगर मिलके ज्वाइंट में बिजनेस करते हैं, अगर आप उनको देखो, अगर आप उनको देखो तो वहां पे भी उनकी इंटेंशन, अगर पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखूं, वो भी यही होती है. पार्टनरशिप फॉर्म भी तो यही कहती है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ इन टू ए कॉमन स्टॉक एंड टू डू सम बिजनेस और ट्रेड, कि कुछ हम बिजनेस करेंगे, कुछ हम ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हम शेयर करेंगे. यही तो मतलब है एक बिजनेस करने का, चाहे आप कंपनी बना रहे हो, चाहे एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, बोथ हैव द सेम मीनिंग. देन व्हाई कंपनी, व्हाई नॉट पार्टनरशिप? इफ पार्टनरशिप देन व्हाई नॉट कंपनी, राइट? तो फिर लोग कंपनी बनाते क्यों हैं? अगर पर्पस यही है तो सर फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि आप हमें एडवाइस कर रहे हो कंपनी बनाए या हम पार्टनरशिप फर्म में काम करें. तो यू गिव एडवाइस टू अस वेदर वी शुड वर्क इन ए पार्टनरशिप फर्म और वी शुड वर्क इन ए कंपनी. बिफोर दैट हम कुछ डिसाइड करें, इट इज ऑलवेज बेटर टू नो कि कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं, कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. अब यहीं से तो फर्क पड़ेगा. अब नाउ सी, इफ यू लुक एट दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो कॉमन है सर, ये तो पार्टनरशिप फर्म वो भी तो यही कहता है, कंपनी वो भी तो यही डेफिनेशन कह रही है. लेकिन ये डेफिनेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट की नहीं है, कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ ये डेफिनेशन. गॉट इट? कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन नहीं है ये. कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन सिर्फ एक ही है, क्लॉज 20 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन जो कंपनी मेरे एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, बाकी कुछ नहीं है जिसके ऊपर, राइट? अब कंपनी अगर है तो सर कंपनी के फिर बेनिफिट्स क्या हैं, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, हम कंपनी क्यों बनाए, मैं आप लोगों को क्यों एडवाइस दे रहा हूं कि आप कंपनी बनाओ, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं कि आप पार्टनरशिप फर्म छोड़ो. व्हाई डोंट यू वर्क इन ए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट? तो व्हाई आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ एडवाइस, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कंपनी के फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है. हाँ, इन्हीं को हम ये भी रिलेटेड कर सकते हैं सर कंपनी बनाने के एडवांटेजेस क्या है. ऑब्वियसली वो एडवांटेजेस जो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है. ऑब्वियसली जो फायदा हमें कंपनी में है वो हमारे पास फायदा पार्टनरशिप में नहीं है, इसलिए कंपनी के एडवांटेजेस जानना जरूरी है हमारे लिए. तो सबसे पहला एडवांटेज कंपनी बनाने का, फर्स्ट विच इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी. किसी भी लॉ को समझने के लिए उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है. किसी भी लॉ को समझने के लिए उसका शुरुआत से लेके कैसे आया, क्या आया, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, राइट? तो सबसे पहला द मेजर बेनिफिट कि व्हाई पीपल प्रेफर कंपनी. अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर हम कंपनी बनाए कि हम पार्टनरशिप फर्म बनाए, तो ऑब्वियसली आप मेरे से ये भी पूछोगे कि सर दोनों के फायदे नुकसान क्या है. आप बोल तो रहे हो कंपनी बनाओ, बट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी बनाने के क्या फायदे हैं, हम कंपनी क्यों बनाए,
पार्टनरशिप फर्म क्यों ना बनाए, तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी, एडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला मेजर एडवांटेज ऑफ द कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट, व्हाई वी कॉल इट सेपरेट, बिकॉज इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. लीगल बिकॉज दिस इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. लॉ कहता है जैसे ही एक कंपनी बनती है, एक कंपनी बनती है, कंपनी एक अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट जो कि अपने मेंबर से अलग होती है. इट सेज ए कंपनी इज ऑलवेज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. कंपनी इज ऑलवेज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. कंपनी अपने मेंबर्स से बिल्कुल अलग है, राइट? लाइक कंपनी हैज इट्स ओन नेम, आइडेंटिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस. कंपनी की अपनी खुद की पहचान है, कंपनी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, अपना खुद का कंपनी का एक नाम है, जैसे हमारा है. वी आर नोन बाय आर ओन नेम. जैसे यू नो आई एम विशाल अरोड़ा, आई नो अनन्या इज देयर, आई नो अजग्ञा इज देयर, आई नो अंजलि इज देयर. सो यू हैव योर ओन नेम, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी. इसी तरीके से कंपनी जब कोई बनती है तो कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है, कंपनी की खुद का एक उसका नाम होता है, कंपनी को लोग कंपनी के नाम से जानते हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नाम आप लोग जानते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट? लेकिन आप कंपनी के किसी प्रमोटर को नहीं जानते होंगे. नाम पता होगा कईयों का, बट कईयों का तो नाम भी नहीं पता होगा कि ये फलाना ग्रुप किसका है, जिंदल है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, SCL है, राइट? ठीक है ना. बहुत सारी कंपनीज हैं, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज है, द लॉट ऑफ बिग ग्रुप्स, यू नो, यू आप पता सुनते ही होंगे आप लोग नाम. ICICI बैंक इज अ बिग नेम, कोटक महिंद्रा बैंक इज देयर, ठीक है ना. बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, राइट? लेकिन आप उनको उनके नाम से जानते हो ना, कंपनी के. यू आर नॉट अवेयर, और मे बी यू डोंट नो इवन कि यार इस कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर कौन है, मेजर शेयर होल्डर कौन है, कंपनी चला कौन रहा है. कंपनी है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ही ना. कंपनी में और हमारे में कोई फर्क नहीं है. I'm saying this. There is no difference between us, between like me and a company. अगर मेरा नाम है, कंपनी का नाम है, मेरी आइडेंटिटी है, कंपनी की आइडेंटिटी है, राइट? लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं, ऐसे कंपनी को नाम से पहचानते हैं. मेरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, ऐसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो कंपनी का प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है. तो कंपनी को लोग कंपनी के नाम से जानते हैं, जैसे हमें जानते हैं. तो हमारे और कंपनी में कोई फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. छोटा सा फर्क, बोलने में छोटा सा, वही उसी तरह छोटा पैकेट बड़ा धमाका. छोटा सा फर्क है जी. क्या? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वी आर नेचुरल पर्सन. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड वी आर नेचुरल पर्सन. वी हैव कम इन टू लाइफ बाई नेचुरल बर्थ एंड अकॉर्डिंगली वी विल डाई. But company has come into force, come into existence by a legal system. So that's why company एक artificial legal person है. Company हमारी तरह सोच नहीं सकती, company हमें हमारी तरह देख नहीं सकती, company के हाथ नहीं है, company के पैर नहीं है, company का brain नहीं है. That's why we call company is a person, but an artificial person. We are persons, but we are natural persons. ठीक है जी. कंपनी के भी हाथ हैं, कंपनी के, सॉरी, हमारे हाथ हैं, कंपनी के हाथ नहीं है, कंपनी का ब्रेन नहीं है, बट वैसे कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी, अलग नाम रखती है. यही रीजन है कि कंपनी अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकती. कंपनी को चलाने के लिए नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ती है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, राइट?
वो कंपनी को चलाते हैं, क्योंकि कंपनी खुद नहीं चल सकती हमारी तरह, राइट। तो यही फर्क है कंपनी और हमारे बीच में। लेकिन कंपनी हमारी तरह ही अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी रखती है। आप जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ ना, आप खुद सोचो, आप इतनी इतनी बड़ी कंपनीज को जानते हो, उनके नाम से ही तो जानते हो। कभी आपने बोला है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू इन शेयर्स, अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, तो कभी आपने ऐसा बोला है कि मेरे पास मुकेश अंबानी के शेयर्स हैं, मैं रिलायंस का कनेक्शन जियो यूज करता हूं, तो मैं मुकेश अंबानी का जियो यूज करता हूँ, राइट। मेरे पास HCL का कंप्यूटर है, तो मैं HCL का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं HCL का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, HCL का ही बोलूंगा ना। उनके जो चेयरपर्सन थे शिव नादर जी, या अब उनकी जो आगे जो भी आगे प्रमोटर चेयरपर्सन बने, मैं उनका थोड़ा ना यूज कर रहा हूं, राइट। सो व्हाट विल आई से कि आई एम यूजिंग HCL कंप्यूटर, मैं जियो का कनेक्शन यूज करता हूं, मैं डेल का लैपटॉप यूज कर रहा हूं। तो आप कंपनी को बोलते हो, गालियां भी कंपनी को देते हो, बुरा भी कंपनी को बोलते हो, कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी है, कंपनी बेकार है, कंपनी चोर है, ये भी हम बोलते हैं ना, अरे यार वो कंपनी चोर है, ठीक है। हालांकि कंपनी चोर कैसे हो सकती है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी थोड़ा चोरी करेगी आपके घर आके, या कंपनी थोड़ा आपको गलत चीज बेच रही है। बट यस, द मेजर बेनिफिट ऑफ कंपनीज, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अपनी पहचान होती है और अपना नाम होता है। व्हाई पीपल प्रेफर टू फॉर्म ए कंपनी, कि भैया कुछ भी करो, कंपनी अपने में अलग चीज है तो कंपनी का नाम है। बट इफ यू कंपेयर दिस, अब जो एडवांटेजेस कंपनी के हैं वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के। अब आप मुझे कहते हो सर पार्टनरशिप फर्म क्यों ना बनाओ, भैया देखो पार्टनरशिप फर्म में पहली बात, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का अपना कुछ नहीं है। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर और फर्म हम बोले तो एक ही बात है मेरे लिए, वन एंड द सेम थिंग। फॉर मी पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स फॉर मी क्या, फॉर लॉ वन एंड द सेम थिंग। अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आपने कुछ फर्म में गलत हुआ, पैसे खा लिए किसी के, कुछ भी गलत हुआ, लॉ कहता है कौन भुगतेगा, पार्टनर्स भी भुगतेंगे। ये हम लोगों ने शायद सेटिंग ऑफ बिजनेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां भी हम लोगों ने चीज डिस्कस करी थी कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और फर्म एक ही बात होती है, अगर एक बंदा गलत करेगा सब लोग भुगतेंगे। तो वही जो हमारे लिए एडवांटेज है कंपनी बनाने का, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का, वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म के लिए डिसएडवांटेज साबित हो जाता है, कि वो उसके लिए डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए एक कंपनी अपने आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लीगल सिस्टम, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसने सेपरेट लीगल एंटिटी को बहुत प्रमोट किया, दैट वाज, सुना भी होगा आप लोगों ने, सलमान वर्सेस, याद है ना, सुना, आई एम श्योर 100% सबने सुना होगा, सलमन एंड कंपनी लिमिटेड, आई एम श्योर जिन्होंने कंपनी लॉ कभी भी पढ़ा है तो आई एम श्योर उन्होंने कहीं ना कहीं केस तो पढ़े। बहुत फेमस केस था जिसमें फर्स्ट टाइम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को बढ़ावा मिला। राइट, सलमन एंड सलमन कंपनी लिमिटेड। अच्छा, एक और बात यहां पर आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग, आप लोग को एक और समझाना चाहूंगा। जब कभी भी हम लोग केसेस के बारे में लिखते हैं, जैसे ए वर्सेस बी, जैसे ऊपर सलमन वर्सेस सलमन लिखा हुआ है, तो जनरली आपने देखा होगा कभी ये लिखा होता है, कभी लिखा होगा वर्सेस को ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी, या लिखा होता है ए वर्सेस बी। नाउ टेल मी विच वन इज अ बेटर वे टू राइट, दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा तरीका अच्छा है लिखने का, कौन सा तरीका इनमें से आपको लगता है, हाउ शुड वी मेंशन, जैसे सेलमन वर्सेस सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड, तो इट शुड बी वी डॉट, मैं वर्सेस की बात कर रहा हूं, वी डॉट वी एस डॉट वी ऑब्लिक एस, या पूरा लिखे वर्सेस। सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज बेटर, और वी कैन यूज एनीथिंग सर, उससे फर्क क्या पड़ता है। हाँ जी बताइए। ओके,
कुछ लोग तो वो भी हैं, स्टूडेंट बैठे हैं जो आई थिंक जो ऑलरेडी मेरी क्लास कर रहे हैं, ऑलरेडी दे ऑलरेडी ज्वाइन मी. हाँ, नैन्सी इज सेइंग सर थ्री नंबर वी ऑब्लिक एस. ओके, सिमरन कह रही है कि सर फर्स्ट वन. चलिए जी, एक वोट फर्स्ट को गया, एक वोट थर्ड नंबर पॉइंट को गया, वी ऑब्लिक एस. बाकी लोग वी एस. अजय सिंह वी एस. चलो जी, सबको एक एक वोट मिल रहा है. एक फर्स्ट कहा नैन्सी ने, थर्ड कहा और जग्या ने सेकंड बोल दिया. निशा गुप्ता, अगेन निशा गुप्ता, सिमरन फर्स्ट. चलो, इट शोज कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर होती है कि ये जो स्टूडेंट मेरे ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं. ईशा ए वर्सेस बी. राइट, भावना. ओके, परफेक्ट. सी, निशा, ईशा, सिमरन, भावना, यू आर राइट. लीगल वर्ल्ड में, ठीक है जी, नैन्सी, अजग्या, आप ध्यान से समझना बेटा, लीगल वर्ल्ड में इट इज ऑलवेज यूज्ड वी डॉट. हाँ, कई बार ये भी आप लिख सकते हो फुल वर्सेस, बट इट इज ऑलवेज वी डॉट. हमेशा वी डॉट होगा, ये याद रखना. जो वी एस होता है या वी ऑब्लिक एस होता है, दैट इज यूज्ड इन जनरली स्पोर्ट्स. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच है, तो वहां पर वी डॉट नहीं होगा, वी ऑब्लिक एस होगा या वी एस होगा. कभी नोट करना दोबारा, तो ये बात हमेशा याद रखना. ये भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग, ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत आती रहेंगी आगे, जो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, जिनका हालांकि कंपनी लॉ से चाहे लेना देना ना हो, नॉट एनी नथिंग टू डू विद द कंपनी लॉ, बट कहीं ना कहीं आपके एज प्रोफेशनल यू शुड नो, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा. ठीक है नैन्सी, अजग्या. तो बेटा कभी भी एग्जाम में भी, केस या लाइफ में, और ये बात बता रहा हूं बहुत कई बार लोगों को पता भी नहीं होती है, राइट. तो आप ये चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, कभी भी वी एस या वी ऑब्लिक एस नहीं होगा लीगल वर्ल्ड में, लीगल केस में. इट विल ऑलवेज बी वी डॉट, तभी यहां पर मैंने भी लिखा हुआ है वी डॉट. चलिए अब आ जाओ केस पे. अब सेलमन, जो मेजर जो बेनिफिट सबसे ज्यादा सेपरेट लीगल एंटिटी को जो सबसे ज्यादा उछाला गया ना, जो सबसे ज्यादा उसको काफी फेमस हुआ ये सिस्टम कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी बनाओ, और जो सेलमन को बेनिफिट मिला तो लोगों को लगा यार ये कंपनी ही बनानी चाहिए, ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है. अब हुआ क्या इसमें, इन दिस केस मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ, डिटेल तो आपको बुक में मिल ही जाएगी. अब सेलमन था, राइट, सेलमन हैड हिज शू बिजनेस, बूट मैन्युफैक्चर था, लेदर का काम करता था, लाइक ही वाज ए बूट मैन्युफैक्चर, लेदर का काम था, राइट, एंड ही वाज प्रोप्राइटर अलोंग, ही वाज प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस. प्रोप्राइटर था, इकलौता काम कर रहा था, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, प्रोप्राइटर था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा खासा काम चलने लगा, काम बढ़ने लगा, पैसा ज्यादा आ गया, कमाई ज्यादा हो गई. तो एक दिन वो हमारे जैसे किसी कंपनी सेक्रेटरी को मिला, राइट, लेट्स से वो अजग्या को मिला एक दिन, सेलमन का दोस्त है, तो ही आस्क्ड अजग्या, अजग्या से सेलमन ने पूछा भाई मेरा तो काम बड़ा अच्छा चल रहा है. अजग्या बींग ए कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हम प्रोफेशनल, आप मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है मैं कंपनी बनाऊं कि पार्टनरशिप बनाऊं, मैं कंपनी बोलता हूं ज्यादातर, मैं कंपनी बोलता हूं. क्यों बोलता हूं, क्यों बोलता हूं कंपनी, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेल्फिश भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाओगे, राइट, अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनाओगे या कोई काम करोगे अकेले या पार्टनरशिप फर्म में, तो बींग प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी मेरे को क्या बेनिफिट है यार, नथिंग. हाँ, कंपनी बनाओगे तो मैं कंसल्टेंट की तरह काम करूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा, कंपनी में फॉर्मेलिटीज इतनी हैं, कंप्लायंसेस इतने हैं, सब कुछ है,
ठीक है ना, राइट। सो नाउ अब हुआ क्या, अब अजगिया ने बोला सैलमन को कि भाई तेरा काम इतना अच्छा चल रहा है, यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर बिजनेस, व्हाई डोंट यू एक्सपैंड योर सेल्फ। उन्होंने कहा कैसे, ये व्हाई डोंट यू फॉर्म ए कंपनी एंड बेटर टू गो विद ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। भाई इफ यू विल हैव ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी योर बिजनेस विल ग्रो, यू कैन गो विद द पब्लिक इश्यू, यू कैन आस्क पब्लिक टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला करते करते अजगिया ने उसे इतनी सारी खूबियां बता दी कंपनी की, राइट। वो भाई साहब बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए सैलमन कि यार मैं तो कंपनी बनाता हूँ, अब कंपनी चलाऊंगा, मैं अब कंपनी बनाऊंगा, और व्हाई डोंट यू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी। यार टोर है हमारी कि मैं आपको बोलूं ओके आई एम ए प्रोप्राइटर, मैं एक फर्म चला रहा हूं प्रोप्राइटरशिप, आई एम द प्रोप्राइटर। नाउ सी दिस हैज अ गुड इंपैक्ट ऑन everyone in on you on the public, और मैं किसी से अगर बात करूं ये इंपैक्ट ज्यादा अच्छा है, या मैं बोलूं कि आई एम ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और मे बी आई एम ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। आप खुद सोचो आपको क्या लगेगा, यार क्या बोलने में अच्छा लगेगा। अगर आप बोलोगे घर पे भी मैं पापा इस फलाना कंपनी का डायरेक्टर हूं, इस फलाना कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, नाउ सी वो डायरेक्टर वर्ड बोलना ही कंपनी को चलाना ही अपने आप में, जो लेमैन है वो भी समझेगा अरे यार बड़चा डायरेक्टर यार तुम कंपनी का क्या बात है, राइट। और बोलना कि मैं एक प्रोप्राइटरशिप है सैलमन एंड एसोसिएट, सैलमन बूट मैन्युफैक्चर करके प्रोप्राइटरशिप है जिसका मैं प्रोप्राइटर हूं, राइट, जिसका मैं प्रोप्राइटर हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से अजगिया ने क्या किया, सैलमन को मोटिवेट किया, सैलमन को हवा भरी। सैलमन ने क्या सोचा कि मेरा काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो हैड इज शू बिजनेस, बूट मैन्युफैक्चर था, ऑफिस ऑन बिजनेस प्रोवाइडर। वन डे खैर हम यहां ये तो नहीं लिखेंगे कि उसको किसने भड़काया, कि उसको किसने मोटिवेट किया, अजगिया ने मोटिवेट किया, किसने किया। वन डे इट डिसाइडेड टू प्लॉट ए कंपनी, राइट। वन डे डिसाइडेड टू फ्लोट ए कंपनी, एक दिन उसने सोचा मैं कंपनी बनाता हूं, एंड ही फॉर्म्ड ए कंपनी इन द नेम ऑफ। अब कंपनी बनाने के लिए, राइट, कंपनी बनाने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो आप बोलोगे भाई यू नीड एटलीस्ट 7%, कम से कम 7 लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए, राइट। तो 7 लोग कहां से आएंगे, ही सेड कि मैं तो भैया प्रोप्राइटर हूं, मैं तो सिर्फ इकलौता बंदा हूं, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं, मेरे पास तो कोई और है ही, प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूं, मेरे पास तो कोई और है ही नहीं कंपनी चलाने के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी, आप एक काम करो, अलोंग विद योर वाइफ एंड अलोंग योर चिल्ड्रन यू कैन फॉर्म ए कंपनी। राइट, तो अब कंपनी बनाने के लिए उसको 7 लोग चाहिए क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मे बी अभी आप लोगों को नहीं पता कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, या अभी आपने कितना कंपनी लॉ पढ़ा है, तो यू आर नॉट अभी अवेयर, ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, राइट। बट जितना भी आप लोगों ने कभी पढ़ा हो या सुना हो, आपको पता होगा कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो वी शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वी शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, और प्राइवेट में दो और पब्लिक में 7 लोग चाहिए अपने को। कभी भी अगर आपने पढ़ा हो कि या कभी बीकॉम में ग्रेजुएशन में या कहीं अगर आपने कंपनी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो हुआ क्या, अब इसने कंपनी बनाने का डिसाइड तो कर लिया अजगिया की बातों में आके कि ठीक है मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ, अलोंग विद मी, अलोंग विद माई वाइफ माई चिल्ड्रन, मैं सब मिलके कंपनी बनाते हैं, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, अलोंग विद हिज
वो किसी और पे ट्रस्ट कर नहीं सकता था एंड बी बच्चों के साथ मिलकर कंपनी बना दी सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी, ही बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो एमडी बन गया कंपनी का, ही बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर। अब उसको यही तो काम करना था, यही तो उसको टॉर बनानी थी अपनी, कि अजज्ञा ने यही तो उसको बोला था कि भाई यू विल बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे, लुक एट योर स्टेटस, स्टेटस कितना बड़ा होगा भाई, सब दुनिया देखेगी आपको, दुनिया में आप बोलोगे लोगों को आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एक कहीं ना कहीं एक स्टेटस है, राइट। ही बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर, ही सोल्ड हिज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस टू द कंपनी। अब वो पहले उसका प्रोप्राइटर था, अब कंपनी अपने में अलग एंटिटी होती है, तो उसने क्या किया, अपना जो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था वो उसने कंपनी को बेच दिया, जो कि अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस था, कोई बिजनेस में दिक्कत नहीं थी, बस उसको था कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता था कंपनी का, सो दैट्स व्हाई ही फॉर्मड ए कंपनी। अजज्ञा ने उसे समझाया कि भाई तू कंपनी बना, बहुत राइस करेगा, राइट। तो ही सोल्ड हिज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस टू द कंपनी, जो जिसकी वैल्यू लगाई गई एट ए वैल्यू ऑफ, जो भी उस समय हमारा आप बोलो पाउंड में, उस समय इंग्लैंड का केस है, इज माई वीडियो वर्किंग फाइन बिकॉज आई एम गेटिंग मैसेजेस की वीडियो पॉज हो गई है। बताइए वीडियो आ रही है क्लियर, सिमरन भावना, बाकी लोग बताओ। चलिए, उसने अपना बिजनेस जो प्रोप्राइटरशिप का था, बिजनेस टू द कंपनी, उसने कंपनी को बेच दिया, जिसकी वैल्यू उसने लगाई 3,8782 पाउंड, आप रुपए समझो या कुछ भी, वट एवर, राइट। कैसे उसने लिए, फॉर विच ही टुक सिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑफ 10,000, राइट। 10,000 के उसने सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स लेने का मतलब क्या हो गया, वो ही बिकेम क्राइटर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का क्राइटर बन गया। अगर डिबेंचर्स के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा हो, पढ़ेंगे, मतलब क्राइटर्स इज काइंड ऑफ ए डेट ऑन द कंपनी, इट्स काइंड ऑफ ए लाइबिलिटी ऑन द कंपनी, सो आफ्टर टेकिंग सिक्योर डिबेंचर्स ही बिकेम क्रिएटर ऑफ द कंपनी। भावना, सिमरन बेटा चल रही है अभी क्लास, राइट। देन ही टुक 20,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹1 each That is 20,000 and balance cash. Whatever the valuation of his business was, what he did, इसने कुछ डिबेंचर्स इशू किए, he became creditor. कुछ इसने शेयर्स ले लिए, he became shareholder and balance cash मिल लिए. Now he was working in a company, Salomon and Company Limited. राइट, सेलमन कंपनी लिमिटेड, ही वॉज वर्किंग इन ए कंपनी एज शेयर होल्डर, ही वॉज अ शेयर होल्डर, ही वॉज वर्किंग विद अ कंपनी एज क्रेडिटर बिकॉज ही टुक डिबेंचर्स एज वेल इन द कंपनी एंड ही वॉज अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल। ठीक है, मतलब ये कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर रहा था, ये शेयर होल्डर भी था, क्रेडिटर भी था और
डायरेक्टर भी था। राइट, मतलब अजज्ञा सेलमन ने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा चलिए। नाउ प्लीज चेक इफ इट्स वर्किंग फाइन नाउ। चलिए अब सेलमन ने क्या किया, सेलमन ने जो भी वैल्यू लगाई अपने बिजनेस की, प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की 38782, उसके बदले में उसने कुछ डिबेंचर्स ले लिए, शेयर्स ले लिए और बैलेंस कैश ले लिया। तो ही बिकेम क्रेडिटर बाय टेकिंग डिबेंचर्स एंड दैट टू सिक्योर क्रेडिटर। ही ऑल्सो बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड ही वॉज वर्किंग एज डायरेक्टर। तो ही वॉज वर्किंग इन ए डिफरेंट कैपेसिटी इन ए कंपनी, वो डायरेक्टर भी था, वो शेयर होल्डर भी था। राइट, वो डायरेक्टर भी था, वो शेयर होल्डर भी था और सिक्योर्ड क्रेडिटर भी बन गया कंपनी का।
कंपनी चलती रही, खुश था वो, मैनेजिंग डायरेक्टर था, लोगों को बताता फिरता था बावरा होके कि देखो जी आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, मैंने कंपनी बनाई है सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो वन डे हुआ क्या, द कंपनी रैन इन टू लॉसेस, कंपनी लॉसेस में चली गई। अब ठीक है, कंपनी बनाने के लिए, कंपनी संभालने के लिए खर्चे भी बहुत चाहिए, कंपनी की फॉर्मेलिटीज बहुत है, समहाउ ही कुड नॉट मैनेज द कंपनी। तो बहुत जल्दी कंपनी क्या होगी, कंपनी घाटे में चलना शुरू हो गई, कंपनी रैन इन टू लॉसेस एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अजज्ञा नाउ कि भैया वो बंदा कौन है जिससे मुझे बोला था कंपनी बना, बड़ा फायदा होगा, पब्लिक इशू लेके आएंगे और ये करेंगे, राइट। तो ये कौन है, कहाँ चला गया वो, अब अजज्ञा गायब। तो भैया वो कहेगा मैं तो भैया तेरी कंपनी डूब रही तो मैं क्या करूं, भैया नहीं चली तो नहीं चली, अगर चलती तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते, हम पब्लिक इशू लेके आते, वी 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 कुड हैव डन दिस, वी कुड हैव डन दैट। तो मतलब अब कंपनी नहीं चली तो ही इज आउट, राइट। सो नाउ कंपनी रैन इनटू लॉसेस वेरी सून एंड ही डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी। आई एम ऑडिबल टू ऑल नाउ, प्लीज प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि क्या मेरे को सबकी, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो इज ऑडियो इज क्लियर नाउ। चलिए इट्स क्लियर समृद्धि बेटा, कैन यू प्लीज चेक एट योर एंड, इट्स वर्किंग फाइन नाउ। चलिए सो नाउ कंपनी रैन इनटू लॉसेस। तो एक दिन अब सोचा यार कंपनी को मैं बंद कर रहा हूँ, मैं सब कंपनी संभाली नहीं जा रही, कंपनी में बहुत सारे खर्चे हैं, बिजनेस ठप हो गया है, या मान लो कोविड सिचुएशन आ गई है, वट एवर। तो वन डे डिसाइडेड कि भैया कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए पहले उसने अजज्ञा को ढूंढने की कोशिश की, वो भाई साहब तो गायब हो गए क्योंकि मालूम है ये मुझे मारेगा पीटेगा, भैया तुमने कंपनी बनवाई थी, तुमने कंपनी बनाई थी, अब कंपनी चल नहीं रही, बंद करो, राइट। तो वन डे ही डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी, सोचा कंपनी को मैं बंद कर देता हूं, फाइनली मेरे पास कुछ नहीं है, राइट। एंड एट दैट टाइम कंपनी हैड टोटल एसेट्स ऑफ 6050 pound with the liability of secured debentures of 10,000 and unsecured creditors एट थाउजेंड। नैन्सी आई वॉज सेइंग कि जैसे सैलमन ने कंपनी बनाई, सैलमन का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, जैसे सैलमन ने कंपनी बनाई, सैलमन ने अपना बिजनेस कंपनी जो प्रोप्राइटरशिप का था वो कंपनी को बेच दिया, जिसकी वैल्यू हुई 3870 82 pound। अब कंपनी बींग ए सेपरेट एंटिटी, राइट, कंपनी बींग ए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी अपना प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस वो कंपनी को बेच रहा है, राइट। उसके बदले में उसने कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर्स ले लिए, सिक्योर्ड सिक्योर्ड वो क्रेडिटर बन गया, शेयर्स ले लिए कुछ, और ही ऑल्सो बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर, कि वो एमडी भी बन गया कंपनी का, कि कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं और मैं कंपनी का क्रेडिटर भी हूं, मैं कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं। अब कंपनी चल पड़ी, थोड़ा टाइम बाद कंपनी में नुकसान होना शुरू हो गया, द कंपनी रैन इनटू लॉसेस,
फिर उसने एक दिन सोचा कंपनी को बंद करो यार, मेरे से नहीं चलाई जा रही, मैं कंपनी को बंद कर देता हूँ। कंपनी को लिक्विडेशन के लिए चला गया, कंपनी में लिक्विडेटर या रिसीवर अपॉइंट हो गया कंपनी को देखने के लिए। जब लिक्विडेट होती है कंपनी तो क्या होता है, सारे एसेट्स को रियलाइज करके लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है। तो इसने वही किया, सारे एसेट्स रियलाइज करके पे ऑफ करने थे, लेकिन उस समय कंपनी में टोटल एसेट्स इतने थे जबकि लाइबिलिटी एक ये थी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड थी 8,000। और सिक्योर्ड किसकी है, सिक्योर्ड लाइबिलिटी किसकी थी, दैट वॉज बिलोंग्स टू सैलमन, सैलमन की खुद की थी, बिकॉज ही वॉज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सिक्योर्ड डिबेंचर उसी की तो है, राइट? अब जैसे ही कंपनी में सबसे पहले जब कंपनी डूबती है, पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, तभी तो बोला जाता है सिक्योर्ड, आप सिक्योर्ड हो, बाकी अनसिक्योर्ड है। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, रेज्ड ऑब्जेक्शन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रेज ऑब्जेक्शन दैट द मनी शुड बी पेड टू देम फर्स्ट, पहले उनको दो, एज कंपनी बिलोंग्स टू सैलमन एंड वी आर आउटसाइडर्स। वे कंपनी बिलोंग्स टू सैलमन का मतलब उन्होंने बोला कि दिस इज ए वन मैन कंपनी, चलाने वाला वो ही है, करता धरता पीछे वो ही है, वन मैन कंपनी एंड वी आर द आउटसाइडर, और हमारा राइट पहला है, राइट? सैलमन तो कंपनी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, सैलमन तो कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी ही उसी की है, उसी के बीवी, उसी के बच्चे, उसी की कंपनी, उसी का पैसा, हाउ ही कैन गेट मनी विदाउट पेइंग टू द आउटसाइडर्स? नो, हमारा राइट पहला है, पहले हमें दो फिर सैलमन को दो, कुछ बचेगा तो बचेगा कहां से? टोटल एसेट्स ही 6,000 के थे, और 6,000 के एसेट्स से सबसे पहले तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा ना यार। लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर जब सैलमन खुद है तो बाहर वाले कहते हैं सर ये तो गलत बात होगी ना, सैलमन अपने आप को पैसे कैसे दे सकता है, पहले पहले तो हमें दो, देन इट वॉज डिसाइडेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या कोर्ट, कोर्ट कह सकते हो, कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट द कंपनी आफ्टर कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, द कंपनी आफ्टर कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, जैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, बिकम्स इस separate entity having its own name. Right? For the company, everyone is an outsider and shareholders, SH, and shareholders are not liable for the company's liability. और कंपनी सैलमन को एज शेयर होल्डर पैसा वापस नहीं कर रही, याद रहे, कंपनी ये नहीं कह रही कि सैलमन के पास शेयर्स भी पड़े 20,000 के, शेयर्स दे दो, वापस दे दो, बाहर वालों को बाद में देना, नो, फॉर द कंपनी सैलमन इज ऑल्सो क्राइटर्स लाइक अदर क्राइटर्स, सैलमन इज ऑल्सो क्राइटर्स ना, लाइक अदर क्राइटर्स, सैलमन बाहर वालों की तरह सैलमन भी तो क्राइटर ही है,
like other settlements, also a craters like other craters, and being secured creditor, being secured creditor, he has the priority to be paid off. इसकी प्रायोरिटी पहले है. ठीक है, इवन दो उसके पास मेजर शेयर्स हैं, इवन दो उसके पास वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इवन दो उसकी फैमिली ही कंपनी में इन्वॉल्व है, बट ही इज एक्टिंग इन ए कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर. अब जहां पर कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, सबसे पहले पैसा सिक्योर्ड वालों को दिया जाता है, आप सिक्योर्ड हो. सो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं बेचे जाएंगे, पहले सिक्योर्ड को दिया जाएगा, कुछ बचेगा तो अनसिक्योर्ड को दिया जाएगा. सो बीइंग ए सिक्योर्ड क्रेडिटर लाइक अदर क्रेडिटर्स, इसका राइट प्रायोरिटी पे है. वो है कंपनी का क्रेडिटर, वो आपकी तरह ही क्रेडिटर है. लोग कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोलो कि क्रेडिटर नहीं है वो. लोग कहता, मैं ये नहीं कह सकता आपकी तरह कि उसी की कंपनी है, वन मैन कंपनी है जी, वही तो मैनेज कर रहा है, तो फिर हमें पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा. नहीं, तो ही हैज द प्रायोरिटी टू बी पेड ऑफ बिफोर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बिकॉज कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. इसी के चलते ये कंसेप्ट बहुत फेमस हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि लोग कहते हैं भैया कंपनी बनाओ, कंपनी बनाने के फायदे हैं, कंपनी बनाने में बहुत फायदा है, कंपनी बनाएंगे, कंपनी अपने नाम से चलेगी, अगर हम कंपनी में कुछ पैसा भी डालेंगे अदर देन शेयर कैपिटल, वो पैसा भी हमारा वापस मिल सकता है, और अगर सिक्योर्ड हो गया फिर तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. बट इफ यू कंपेयर दिस विद द पार्टनरशिप फर्म, अगर हम इसको पार्टनरशिप फर्म के साथ देखें, कि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कभी होता है कि अगर पार्टनर ने भी पैसा लेना हो तो पार्टनर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाए, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे कुछ भी हो पार्टनरशिप फर्म में, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप और फर्म के पार्टनर्स वन एंड द सेम थिंग. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट काइंड ऑफ थिंग, इसलिए पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कभी नहीं होता. तो जो यहां पर हमारे पास एडवांटेज है कंपनी का, वो वहां पर हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाता है पार्टनरशिप फर्म के लिए. इसलिए आई प्रेफर टू यू, आई प्रेफर माई क्लाइंट, भैया कंपनी बनाओ, सेपरेट लीगल एंटिटी है, करो कुछ भी काम, कुछ भी करोगे तो कंपनी लायबल है. बट मेक श्योर, मेक श्योर ऐसा नहीं कि आप कोई इलीगल काम करो या फ्रॉड करो या आप कोई क्या कहते हैं कोई ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी एक्टिविटी करो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. वो तो फिर एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट भी आता है. सो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जो हम आगे आने वाले टाइम में वो भी पढ़ेंगे. राइट, बताइए, एनी डाउट किसी को कुछ भी, यहां पर जो लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है? चलिए एक और छोटा सा केस देखते हैं इससे पहले हम आगे बढ़े. देयर वाज अनदर केस जो सेपरेट लीगल एंटिटी को बड़ा डिफाइन किया गया था, ली वर्सेस डीज एयर फार्मिंग लिमिटेड. राइट, बताइए बताइए. ली वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ली वॉज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी,
and was holding maximum shares in the company. Same Salomon ki tarah, was holding maximum shares in the, he was a major shareholder except one, sare shares Lee ke paas hi the, right? Lee was killed in air crash while working in the company. Right, he was killed in a air crash. में उसकी death होती है, वो मर जाता है. And his wife, कि मेरा husband, while in employment, जब वो काम कर रहा था, right? So while he was in employment, he died. काम करते करते उसकी death हुई है. So I want compensation. So like his, she said कि his wife claimed. Compensation from the company. कि compensation claim किया कि भैया कुछ compensation दो, because my husband died while he was in the employment of a company and he was working for the company, so that's why we need some compensation. The company refused to give compensation. जो company के बाकी directors थे, जो कंपनी के बोर्ड थे, उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया कि भैया कि हम इसको मतलब कंपनसेशन नहीं देंगे. ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे दिया होगा, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. जिनको जितना भी समझ आया, आप ये बात समझ सकते हो कि क्यों कंपनसेशन देने से मना कर दिया. ऑन द ग्राउंड दैट ली वॉज owning the company and is the employer and employee both, and hence cannot get कंपनसेशन. उन्होंने बोला कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, या तो देखो आप एम्प्लॉयर बनो, वो तो हमारे लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों की तरह काम कर रहा था, जबकि ऐसा हो नहीं सकता. वन पर्सन कैन नॉट बी एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बोथ, जबकि ही वॉज एम्प्लॉयर बिकॉज ही वॉज ओनिंग द मेजर शेयर इन अ कंपनी, कंपनी उसी की थी, एंड ही वॉज वर्किंग एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर. जो कंपनी के बोर्ड थे, उन्होंने बोला कि भैया तो एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग. कंपनी, राइट, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एंड ली इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि उसी की कंपनी, वही मेजर शेयर होल्डर, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कैसे हो सकता है? या तो एम्प्लॉयर होगा या एम्प्लॉई होगा, बट ऐसा तो नहीं है ना. कंपनी बींग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, वहीं पर तो इट वॉज डिसाइडेड. सो इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी इज separate from its member and Lee was also serving as pilot in the company. As an employee of the company, ठीक है ना, कि कंपनी इज सेपरेट. ली अपने आप में एक अलग पर्सन भी है, ली कंपनी को चला भी रहा है, बट एज एन एम्प्लॉय, एज ए पायलट सर्व भी कर रहा है. तो भैया वो एम्प्लॉय भी है,
वो डायरेक्टर भी है, वो शेयर होल्डर भी है. सो यू कैन बी विद द कंपनी इन अ डिफरेंट कैपेसिटी. ऐसा नहीं कि अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं शेयर होल्डर ही रहूंगा, मैं कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता. अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मैं क्रिएटर नहीं हो सकता. जैसे कि सलमान के केस में भी हमने देखा, भैया कंपनी अपने आप एक सेपरेट एंटिटी है. आप कम हाँ एट द एंड ऑफ द डे अगर कल को कंपनी डूबती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा शेयर होल्डर्स का. एज ए शेयर होल्डर यू विल नॉट गेट एनी मनी जब तक बाहर वालों की लाइबिलिटीज नहीं दी जाती. और बाहर वाले लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स में अगर आप भी क्रेडिटर्स हो, अगर बाहर वाले की लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में अगर आपका नाम भी क्रेडिटर्स में लिखा है तो ऑब्वियसली आपको भी मिलेगा पैसा. दैट डिपेंड्स आप सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, क्या है स्टेटस. लेकिन एज शेयर होल्डर, एज शेयर होल्डर आपको पैसा सबसे लास्ट में मिलता है जब कंपनी बाहर वालों की सबकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देती है. तो नाउ यहीं पर ये डिसाइड हुआ ली के केस में भी कि भैया ली कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है, बट डज नॉट मीन कि कंपनी और ली एक ही बात हो गई. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड ही वॉज सर्विंग एज ए पायलट इन अ कंपनी, एज एन एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी. एंड And hence, his wife is entitled to get compensation from the company. राइट. और भी बहुत सारे केसेस हैं इससे रिलेटेड कि लाइक जहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली डिफाइन किया गया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आप अलग हो कंपनी से, कंपनी एंड द मेंबर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. So you can have a different capacity kind of relation with the company. बहुत सारी cases. ठीक है. So this is one of the most important benefit of being into a company organization, right? Being into a form of corporate, being into a form of company. And if we compare this with a partnership firm, so obviously partnership firm में, as I mentioned earlier, अगर यही ली अगर partnership में मैं partner होता तो compensation वो तो म्यूचुअली अगर देते पार्टनर्स तो देते, नॉट नेसेसरी कि वो एक ही बात है. वो तो अलग है जी, कंपनी अलग, फर्म अलग है और पार्टनर अलग है, उसको देना पड़ेगा या उनको मैंडेटरीली पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा. नथिंग, दैट वाज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स. तो यही रीजन है कि हमारे पास अपना पार्टनरशिप फर्म के जो हमारे जो कंपनी के एडवांटेजेस है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं. एंड दिस इज द रीजन की वाई पीपल प्रेफर कि कंपनी बनाओ. ठीक है जी. सो अनदर बेनिफिट ऑफ बीइंग इन टू ए कंपनी, अगर हम कंपनी बनाना चाहते हैं तो मेरा क्लाइंट पूछता है या आप मेरे को पूछते हैं, सर अच्छा चलो ये तो हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके बाद और क्या बेनिफिट है कंपनी बनाने का. One of the most important, another benefit apart from the separate legal entity concept, that is a limited liability. Limited liability. And make sure we are talking about limited liability of members. Members. In case of a company, limited, in case of a limited company, the liability of the members of the company is always limited to the extent of shares taken by them. जितने आपने shares लिए हैं सिर्फ आपकी उतनी ही liability. Only to the extent of shares taken by them. Only to the extent of shares taken by them.
जितने आपने शेयर्स लिए उतनी लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल एक्स हैज 100 शेयर्स इन द कंपनी. एक्स कहता है जी मैं 100 शेयर्स लूंगा कंपनी में एट द रेट ऑफ 10 ईच. तो लायबिलिटी ऑफ एक्स इज रुपीज 1000 मैक्सिमम. एक बार वंस इट इज पेड देन लायबिलिटी ऑफ एक्स शैल बिकम जीरो वंस इट इज पेड. मतलब जब हमारे पास फुली पेड अप शेयर्स हो जाएंगे. एक बार एक्स ने अगर फुली पेड अप शेयर्स हो गए, एक्स ने एक बार पूरे अगर पे कर दिए तो एक्स की लायबिलिटी जीरो हो जाएगी. राइट. तो लायबिलिटी ऑफ एक्स शैल बिकम जीरो. उसके बाद अगर कंपनी डूबती है, डूबने दो, कंपनी खत्म हो रही है होने दो, कंपनी बर्बाद हो रही है, कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जा रही है, कंपनी के पास एसेट्स 50 रुपए के और लायबिलिटी करोड़ों की है, कंपनी कैन नेवर आस्क द शेयर होल्डर कि भैया आप कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि आप मालिक हो, आपकी कंपनी है, आप मालिक हो, कंपनी को पैसे की जरूरत है. नहीं, कभी नहीं. नेवर. कंपनी कैन नेवर आस्क यू टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग जब तक आपके शेयर्स फुली पेड अप नहीं होते. एक बार पेड अप हो गए, राइट, अगर आपके पेड अप हो गए तो फिर खत्म. हाँ, अगर आपका 10 का शेयर है और फॉर एग्जांपल अभी 6 रुपीज पेड है, 4 इज अनपेड, तो लायबिलिटी इज 4 रुपी पर शेयर. बट एक बार पे कर दिया तो कर दिया, उसके बाद कंपनी आपसे कभी नहीं मांग सकती. कंपनी ये नहीं कहेगी विशाल जी यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, हाँ जी आपकी कंपनी इज इन टू फाइनेंशियल क्राइसिस, आप मालिक हो, आप कंपनी को सपोर्ट करो. नहीं सर, बीइंग शेयर होल्डर माय लायबिलिटीज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स टेकन बाय मी, दैट्स इट. इसके ऊपर कुछ नहीं. ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स टेकन बाय मी, बस. यही कंपेयर हम करें एडवांटेजेस में कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, अगर यही हमारी पार्टनरशिप फर्म होती तो क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कभी, एक्सेप्ट एलएलपी में. चलो फिर देयर इज अ न्यू कंसेप्ट, एलएलपी तो नया कंसेप्ट आया है, लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म में क्या पार्टनर्स कैन हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी? नो. अगर पार्टनर्स को अपने घर के बर्तन बेच के भी बाहर की लायबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़े पार्टनरशिप फर्म की तो भी करनी पड़ेगी, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन एडवांटेज ऑफ ए कंपनी कि लायबिलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड. तभी तो लोग कंपनी बनाते हैं. डायरेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कभी भी अटैच नहीं होती हैं, वो कभी भी दिक्कत नहीं करती हैं, प्रॉपर्टीज आपकी आपके पास ही रहेंगी. अनलेस अगर कोई बड़ा फ्रॉड कर रहे हो, पब्लिक मनी को मिसयूज कर रहे हो या पब्लिक का पैसा खा रहे हो, दैट इज समथिंग सेपरेट. बट अगर आप नॉर्मल कंपनी चला रहे हो, कंपनी चलाते चलाते कोई लॉस हो रहा है, काम नहीं चला, कंपनी डूब रही है, तो डज नॉट मीन कि यू बीइंग ए शेयर होल्डर, यू बीइंग ए डायरेक्टर विल बी लायबल फॉर दैट. नहीं. हाँ, लेकिन कंपनी के केस में भी कहीं पर कुछ जगह पर पॉइंट आता है जहां पर आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है. यू आर ऑल्सो लायबल टू सम एक्सटेंट बीइंग ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, ऑल्दो liability is limited, but make sure this liability of the members ये members की liability की बात हो रही है कि members को कितना contribute करना है अगर जरूरत पड़ने पे जितने shares. ऐसा नहीं कि company की liability limited होती है. नहीं, company with limited liability does not mean that company has limited liability. company with limited liability does not mean that company has limited liability. It is only with respect to liability of the members of the company which we say is limited up to the extent of shares taken by you.
बट एज फार एज कंपनी इज कंसर्न, कंपनी को तो पैसे देनी है ना बाहर वालों को, चाहे कंपनी के एसेट बिके, चाहे कंपनी को अपने प्रॉपर्टीज बेचनी पड़े, कंपनी को खुद कोई खरीद ले, राइट। बट आप मेंबर्स को नहीं कह सकते कि आप कंट्रीब्यूट करो, क्यों? क्योंकि मेंबर्स ने जितने शेयर्स लिए उतनी उसकी लायबिलिटी, वंस ही हैज पेड, अब लायबिलिटीज जीरो। राइट, हाँ, बट देयर सर्टेन सर्कमस्टांसेस और वी कैन से एक्सेप्शन टू दिस रूल कि लायबिलिटी कब आपकी अनलिमिटेड हो सकती है, एक्सेप्शंस व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन बी अनलिमिटेड, तब लिमिटेड लायबिलिटी आपकी भी नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट वी विल कंटिन्यू, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, अगले सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद द अदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी, हम अगली क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। चलिए बताइए, यहां तक कोई डाउट अगर किसी को कुछ है, इफ यू कैन आस्क मी, अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे, कभी दोबारा कोई और देखेगा तब भी अगर कोई डाउट आते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी विद योर क्वेरीज, सो आई वुड लव टू आंसर दैट। चलिए बताइए, यहां तक कोई डाउट? ठीक है जी, चलिए अब अगली क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस या व्हाट आर द एक्सेप्शंस व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कैन बी अनलिमिटेड, सो दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड स्टे सेफ।